नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एकनाथ शिंदे की लड़ाई अब उद्धव ठाकरे और संजय राउत को छोड़ शरद पवार से हो गई है। शरद पवार जो है पूरी तरह से खुला चुनौती दे रहे हैं। शरद पवार जो है दरअसल अब वो भी जो है उद्धव ठाकरे संजय राउत को छोड़कर एकनाथ शिंदे की खूब चर्चा कर रहे हैं। खबर ये आ रही है कि दरअसल वो चेक करना चाह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे में कितनी ताकत है, एकनाथ शिंदे में कितना दम है, ये तमाम चीज देखना चाह रहे हैं। और वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि वो अपना दम दिखाएंगे। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से शुरुआती दौर में एकनाथ शिंदे को लेकर शरद पवार का बयान आया कि 6 महीने में इनकी सरकार गिर जाएगी, ये तमाम चीजों से ये लगा कि वो वाकई में नाराज चल रहे हैं। लेकिन अब जो है शरद पवार का क्या रोल रहेगा, क्योंकि अब तो उनके हाथ में कुछ बचा नहीं है। बीजेपी के साथ वो जा नहीं सकते क्योंकि उनकी बनती नहीं है। बीजेपी ये जानती है कि हम सबको तोड़ सकते हैं, शरद पवार की पार्टी को नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं कांग्रेस को। तो अब शरद पवार करेंगे क्या, एनसीपी की पार्टी क्या करेगी, क्या एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं कि उनकी सरकार गिर जाएगी, तो ये हो सकता है कि अगर 40 विधायकों को वो मना लेते हैं तो फिर उनसे मिलकर वो सरकार बना सकते हैं। एक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अगर उद्धव ठाकरे और संजय राउत के पास अब तो कुछ बचा नहीं है, क्योंकि 10 से 15 विधायकों को लेकर अब करेंगे क्या, ये भी सवाल है। अब या तो चुनाव का इंतजार करें, या फिर उससे पहले अगर कुछ खेल बिगड़ना या बिगड़ना बन रहा है तो शरद पवार का रोल क्या रहेगा, ये एक बहुत अहम बात है। क्योंकि अगर शरद पवार एकनाथ शिंदे को मना लेते हैं, मनाने में कामयाब होते हैं उनकी विधायकों को, तो फिर इनकी सरकार बन सकती है गठबंधन की जो पहले था, यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की। लेकिन जिस तरीके के बयान आ रहे हैं और शरद पवार के एकनाथ शिंदे को लेकर, उससे नहीं लग रहा कि इनसे गठबंधन या तमाम चीजें होंगे। क्योंकि कितना दम है वो उनका देखना चाह रहे हैं। लगातार बयान ऐसा दे रहे हैं जिससे एक दूसरे में 36 का आंकड़ा दिख रहा हो कि 6 महीने में जो है इनकी सरकार गिर जाएगी, ये तमाम चीज कहते नजर आ रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि शरद पवार जो है सिर्फ और सिर्फ बरगला रहे हैं, एकनाथ शिंदे की ताकत को आजमाना चाहते हैं। और अब वो जान चुके हैं कि उद्धव ठाकरे संजय राउत के पास अब कुछ बचा नहीं है। देखते हैं कि आगे चलकर शरद पवार अपने तजुर्बे के बल पर क्या कुछ करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज। नमस्कार।